गए थे तो उन्होंने मेरे से 310 रुपए का सामान लिया था। तो कहते हैं बेटे स्कैनर दो। मैंने जब ये स्कैनर दिया तो उनका नाम दूसरा ही आ रहा था। तो आंटी कहते हैं ना बंटी का नाम नहीं आ रहा। मैंने कि उनका ही आता है। कहती नहीं आ रहा। फिर मैंने दोबारा कराया। मैंने कहा मैंने 1 रुपया डाल के देखो पता चल जाएगा। मेरे को मैसेज आता है, फ़ोन मेरे पास था, उन्होंने 1 रुपया डाला तो उसमें नहीं आया। तो कहने मैं ऐसे देखने लगी, मैंने कहा आंटी ये तो अलग से चिपका हुआ, यानी कि इसी स्कैनर के ऊपर लगाया हुआ था। इस स्कैनर के ऊपर था, बस इतने साइज में था वो। ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे देखा तो वो अलग से था, तब मैंने छुटाया उसको। ठीक है, यानी कि किसका नाम आ रहा था? जितेंद्र अमर सिंह नाम आ रहा था। क्या ये कोई रात में लगा के गया है कि हमारा बचाव हो गया, वरना 310 रुपए वो आंटी कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इस पे बंटी नाम नहीं आ रहा है। यानी अगर ना पता चलता तो जितने जितने पैसे है वो तो सारा... सर हाँ हमारा तो बचाव हो गया। हो सकता है मार्केट में किसी ने किसी के तो गए ही होंगे पक्का उसके खाते। सर ये हम रात को ऐसे छोड़ जाते हैं कि इसको कौन चोरी करेगा, हमने तो ये सोचा। लेकिन ये तो देखो चालाकी की, इसके ऊपर अपना स्कैनर लगा दिया बंदे ने। मोहाली जिले के जीरकपुर प्रभात रोड में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि किस तरह से ठगी करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन समय से पहले पता चलने पर बचाव हो गया। अभी हम खड़े हैं इस मार्केट में, ज्यादातर ये फल फ्रूट और कन्फेक्शनरी की दुकान है, लेकिन शातिर ठग ने बड़े ही शातिर तरीके से पैसे ठगने की स्कीम लगाई। जितने भी जो ये स्कैनर लगे हैं, हालांकि ये परमानेंट स्कैनर यहां पर लगाए गए हैं लोगों की तरफ से, रात को शातिर ठग ने अपना इस स्कैनर के ऊपर अपना स्कैनर लगाकर और इसको छोड़ दिया। हालांकि जैसे ही कोई स्कैन करता था तो अकाउंट में इनके पास आने की बजाय उसके अकाउंट में जाने की प्लानिंग थी, लेकिन समय से पहले बच गए। और ये पूरे एरिया में यानी कि जितने भी ये स्कैनर बाहर लगे हैं सभी में अपने स्कैनर लगाकर यहां से निकल गया। हालांकि धीरे धीरे उसके अकाउंट में पैसे जा रहे थे, लेकिन जब पता चला तो लोगों ने यहां पर जब पता चला तो स्कैनर जो है वो लगा के गया था, उसको रिमूव करवाए। सबसे पहले जो यहाँ पर विक्टिम है उनसे बात करते हैं। मैडम ये हुआ क्या था, ये किस तरह से पता चला? भैया क्या हुआ, सुबह 7 बजे आंटी आए थे तो उन्होंने मेरे से 310 रुपए का सामान लिया था। तो कहते हैं बेटे स्कैनर दो। मैंने जब ये स्कैनर दिया तो उनका नाम दूसरा ही आ रहा था। ठीक है। तो आंटी कहते हैं ना बंटी का नाम नहीं आ रहा। मैंने कि उनका ही आता है। कहती नहीं आ रहा। फिर मैंने दोबारा कराया। मैंने कहा मैंने 1 रुपए डाल के देखो पता चल जाएगा। मेरे को मैसेज आता है, फोन मेरे पास था, उन्होंने 1 रुपया डाला तो उसमें नहीं आया। तो कहने मैं ऐसे देखने लगी, मैंने कहा आंटी ये तो अलग से चिपका हुआ, यानी कि इसी स्कैनर के ऊपर लगाया हुआ था। इस स्कैनर के ऊपर था, बस इतने साइज में था वो। ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे देखा तो वो अलग से था, तब मैंने छुटाया उसको। ठीक है, यानी कि किसका नाम आ रहा था? जितेंद्र अमर सिंह नाम आ रहा था। जितेंद्र अमर सिंह का। तो भैया ये सभी पूरी लाइन में ही ऐसे? पूरी लाइन में। सर ये ना मैं तो मंडी गया हुआ था, मैडम का मेरे पास मंडी में फोन चला गया, कहने गए कि भी अपने स्कैनर के ऊपर किसी ने स्कैनर लगा दिया है और उसपे जितेंद्र अमर सिंह नाम आ रहा है। ठीक है। कि ये कोई रात में लगा के गया है कि हमारा बचाव हो गया, वरना 310 रुपए वो आंटी कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इस पे बंटी नाम नहीं आ रहा है। यानी अगर ना पता चलता तो जितने जितने पैसे है वो तो सारा... सर हाँ हमारा तो बचाव हो गया। हो सकता है मार्केट में किसी ने किसी के तो गए ही होंगे पक्का उसके खाते। परमानेंट आपका लगा रहता है? सर ये हम रात को ऐसे छोड़ जाते हैं कि इसको कौन चोरी करेगा, हमने तो ये सोचा। लेकिन ये तो देखो चालाकी की, इसके ऊपर अपना स्कैनर लगा दिया बंदे ने, उतने ही बीच का कटिंग करके एक नोकल। तो पता चला है कि कौन है जितेंद्र अमर? कुछ अभी तक नहीं, पता नहीं, चला नहीं, है? नहीं, अभी तक नहीं, नहीं पता चला। ठीक है। तो जैसे इन्होंने बताया कि पूरे मार्केट में एक यहाँ पर भी ये स्कैनर है, हालांकि अभी देख रहे हैं कि इनके साथ तो नहीं ठगी हुई है, क्योंकि इस तरह का आपका ही है ये भी आपके भी इसमें भी लगा था? हाँ, दोनों पे लगा के गए थे। दोनों में लगा के गए। अच्छा, तो जैसे इन्होंने बताया कि स्कैनर के इसी साइज का पूरा ये स्कैनर लगाया हुआ था, हालांकि यहाँ पैसे जाने के बजाय उसके अकाउंट में जा रहे थे। और ये पूरी मार्केट में जितने भी इन्होंने बाहर स्कैनर लगाए हुए हैं अपने शॉप पे, पूरी दुकानों पर ये लगाए हुए हैं, लेकिन जतिंदर और अमर सिंह का नाम सामने आ रहा था। बड़ी ही शातिर तरीके से ये तरकीब लगाई और देर रात को ये पूरे स्कैनर्स पे अपना स्कैनर लगा के यहां से फरार हो गए। यानी कि जो भी कोई अमाउंट ऑनलाइन पे करेगा वो इनके अकाउंट में जाने की बजाय उस जो शातिर जो ठग है उसके उसमें जाएगा। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते यहां पता चल गया, लेकिन पता चल रहा है कि जीरकपुर और डेराबसी में भी इसी तरह के स्कैनर अपने स्कैनर्स लगाकर आरोपी इस तरह की ठगी
करता नजर आ रहा है। ये पूरी शॉप्स है, बहुत आगे तक दुकानें हैं जिसमें ये सभी स्कैनर जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन अभी पुलिस के पास ये मामला पहुंचा है। पुलिस अभी इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये जितने भी जो स्कैनर्स बाहर लगाए हैं, क्योंकि ये परमानेंट लगाए गए हैं, रात को यहां पर छोड़ जाते हैं ऐसे ही, और रात को ही ये पूरी शातिर तरीके से उसने अपना स्कैनर लगाकर ठगी करने की कोशिश की। हालांकि और भी कई, अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, दुकानदारों को पता चल रहा है, इस पे लोग अब देख रहे हैं कि उनके साथ कोई ठगी तो नहीं हुई। ये सारी चीजों को लेकर अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि ये बाहर ही पूरा परमानेंट तरीके से ही ये बाहर लगाया जाता है। ये भैया आपके साथ भी, आपका भी हुआ था? हमने सभी दुकान खोली सर यहाँ पर, तो कस्टमर आए, तो कस्टमर ने पेमेंट करी जैसे ही, तो पेमेंट करके तो कुछ और नाम आया, ठीक है, नाम मेरे ध्यान से आने का, जितेंद्र अमर। जी जी। हाँ, तो कस्टमर ने बोला हमारे को कि भाई ये क्या नाम है, नगा जी नहीं, हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम दूसरे नाम से आएगा, ठीक है जी। तो फिर हमने देखा उसके पास एक सफेद रंग की चिट लगी हुई थी, ओके, वो फिर हमने चिट उतार के फेंक दी। यानी कि इस आपके स्कैनर के ऊपर, ऊपर से अलग ये वाला स्कैन था जो, ठीक है, इस वाले स्कैन के ऊपर चिट लगी हुई थी, ऊपर ही पूरी स्कैन चिट लगी थी, छोटी सी चिट थी इसके ऊपर, छोटी सी चिट। हाँ, वो हमने जब भी उतार दी कि हमने कारोबार तो करना ही है। तो ये सर पूरा इसी जितनी भी दुकानों पे लगा हुआ, सभी की? सभी की दुकान पे नहीं, तीन दुकानें हमारी है, ठीक है, और आगे एक दो की और रिपोर्ट आई, हमारे पास टाइम लगता नहीं जाने का, जी जी, तो आगे और लगा जहाँ तक। तो अभी तक पता चला है कौन थे सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं पता लगा अभी तक, नहीं कुछ नहीं पता लगा। कोई कंप्लेंट वगैरह भी दी है? कंप्लेंट आपस में मालिक है यहाँ पर मार्केट के, उनको एक बार बोल दिया था, जी जी, ठीक है, वो करते कंप्लेंट करेंगे। तो बड़ी बात है कि इतना शातिर, बड़ी बात है, हाँ जी, किसी की मेहनत की कमाई, हाँ जी, ठीक है। तो बिल्कुल बड़े शातिर तरीके से स्कैनर के ऊपर स्कैनर लगाकर और पैसे उसमें किया गया। आपके पास है सर या आपने फाड़ दिया? फाड़ दिया, वो दो चार टुकड़े हो गए। ओके, उसके टुकड़े हो गए, ठीक है। हालांकि इन्होंने निकाल दिया, क्योंकि किस तरह से ठगी करने की कोशिश की जा रही थी, उस लाइन में आगे भी कई लोग हैं जिनको ठगने की कोशिश की गई। और इस तरह से मोडस ऑपरेंडी कि किस तरह स्कैनर्स के ऊपर स्कैनर लगाकर के उनके अकाउंट में पैसा जाए। हालांकि पुलिस अब इसमें तफ्तीश कर रही है कि कौन कौन इसमें शामिल है, जतेंद्र कौन है, अमर कौन है, इस लेकर लगातार, हालांकि पूरे एरिया में हड़कंप जरूर है कि आखिर इस तरह की रातों को कौन इस तरह के स्कैनर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जीरकपुर से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18, पंजाब।